आप दो दफा सीआईपी कर रहे होते हैं, जब आप दो दफा सीआईपी करते हैं तो आप दो दफा सीआईपी करते हैं मींस क्लेम इन प्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जब आप ये कर रहे होते हैं तो दूसरी दफा आप इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, इससे हम तीन स्टेज कर लेंगे। तो पहला हो गया सीआईपी, दूसरा हो गया WIP और तीसरा हो गया SIP, ठीक है ना। तो ये आपके कहने के मुताबिक ये 20,000 होता है। तो लास्ट वाला जो पोर्शन है ना, अब 20,000 को हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले दो हिस्से जो है ना उसके अंदर COD हो सकती है इन दोनों में, और ये 2,000 से 2,500, यही वजह है ना आप पानी वेस्ट करते हैं। और क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं ना, क्या इस पानी को इस्तेमाल कहीं नहीं कर सकते आप। तो ये जो प्लांट डिजाइन किया गया है ये सिर्फ इसी के लिए किया गया है, ठीक है, ये सिर्फ इसी के लिए किया गया है। तो ये जो सीआईडी का पानी है, अगर मैं 20,000 लगा दूं तो हर स्टेज पे फर्स्ट कर ले आप 7,000 इस्तेमाल करते हैं, तो लास्ट वाले स्टार इसमें तो सीओडी होती नहीं है, क्योंकि इसको खाली सिर्फ आप वॉश कर रहे होते, स्टरलाइज कर रहे होते अपने सिस्टम को। शुरू के दोनों होती है सीआईपी में और WIP में, तो ये टोटल आपका 14,000 लीटर पानी बनता है, ये 14,000 लीटर पानी बनता है। अच्छा, अब बात सवाल इस बात का है कि सीआईपी में इस प्रोसेस के अंदर सीओडी होती क्यों है? दो बुनियादी वजह है, एक तो शुगर कंटेंट्स होते हैं इसके अंदर और दूसरे कोई फ्रूट होता है, दोनों ऑर्गेनिक चीजें, और सीओडी होती है ऑर्गेनिक की वजह से। क्योंकि जब आप वाश कर रहे होते हैं ना तो वाश तो करते हैं तो आप लोग तो करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, नाइट्रिक एसिड तो शायद आप लोग नहीं डालते हैं, या डालते नाइट्रिक एसिड भी कर रहे हैं, चलिए। तो ये दोनों इनऑर्गेनिक, नाइट्रिक एसिड भी इसकी वजह से तो सीओडी नहीं हो सकती। सीओडी किसी वजह से हो सकती है, फ्रूट जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं या शुगर की वजह से होती है, दो ही वजह से होती है। तो आपने क्या करना है, ये जो सीओडी वाला पानी है आपके पास टोटल कैपेसिटी पानी की है, फर्स्ट कर ले 80,000, ठीक है ना। इस 80,000 में से आपके पास जो सबसे ज्यादा खराब पानी है उसकी सीओडी है 2,000 से 2,500, और आप इसी वजह से इस पानी को बाहर फेंकते हैं। अगर हम इस पानी को सेपरेट कर लें तो रेस्ट ऑफ द वाटर के अंदर क्या चीज है आपकी? सिंपल डस्ट पार्टिकल। अगर किसी जगह कोई सबस्ट्रेट है तो उसकी कुछ मात्रा होगी, अगर बॉयलर को ब्लो डाउन है तो उसके अंदर कोई ऑक्सीजन इसके बिना जाती है, ठीक है ना, या कोई ऑक्सीजन इसके वजह के अंदर हो सकता है कुछ मिटान उसके अंदर जो है वो फॉक्सेट की हो। और इसके अलावा कूलिंग टावर है, अगर कूलिंग टावर का ट्रेन इसमें हम शामिल कर लें तो कूलिंग कूलिंग टावर के अंदर भी कुछ पॉलीमर्स होते हैं जो हेक्सामेथाइल फॉस्फेट के ऊपर बेस करते हैं, तो वो भी चीजें इसमें शामिल करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है इसमें बेस्ट ऑफ द वाटर के अंदर कि आपके पास उस पानी को इन प्रीमिस आपकी इन प्रीमिसेस के अंदर उसको आप ट्रीट ना कर सके, इंतहाई आसानी से ट्रीट कर लेंगे। सिर्फ आपको जो प्रॉब्लम थी वो इस सीआईपी के पानी की वजह से थी, जिसके अंदर इस पानी के अंदर जो आपकी सीओडी है वो सीओडी आपकी कितनी है? 2,000 से 2,500, ठीक है। तो हमने इस सिस्टम डिजाइन किया, और सिमिलरली ये सिस्टम भी आपका साल्ट रिकवरी से मिलता जुलता सिस्टम है। एक ये एवोपरेटर है, और इस एवोपरेटर के अंदर आपसे ये एक एवोपरेटर एफर्ट्स कर रहे हैं, मैंने इसको इसकी इसको लिखी हुई है स्पेसिफिकेशन। इसमें जो है कि ये वेंट है इसका, जिसमें से आपने इसकी स्टीम वेपर्स लेने, और यहाँ पे भी वही वेलिडी स्टीम आपने इस्तेमाल की है, ठीक है, और उसके बाद वेपर जो है वो निकल के ये
आगे और इसमें ये कंडेंस हो गया और इसमें आ गया। अब क्या है कि इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसके अंदर सीआईपी के पानी के अंदर जो चीज थी वो शुगर है और प्लस आपके फ्रूट है। तो क्या होगा कि ये आपको 24 घंटे में एक दफा प्लांट को चलाना पड़ेगा। ये एवोपरेटर जो है ये बाजार से आपको आसानी से अवेलेबल है, बेइंतहा आसानी से, ठीक है। इसके अंदर आपने इसके अंदर वही ब्रीड जिस तरह आपने 60 लीटर में डाला लगाई थी, ऐसे ही आपने इसके अंदर ये ब्रीड स्टीम डाल देनी है। इस पानी को एवोपरेट कर लेना है। एक और काम कर सकते हैं इसके अंदर कि आप इसके अंदर इजेक्टर लगा दें, एक इजेक्टर लगा दें इस शेल के अंदर। तो जब इजेक्टर लगा देंगे अंडर वैक्यूम हो जाएगा ये। जब ये अंडर वैक्यूम हो जाएगा तो ये जो आपके पास ब्रीड स्टीम है जिसका 110-115 सेल्सियस टेम्परेचर है, ये 70 डिग्री सेल्सियस भी है, इसको जल्दी से एवोपरेट कर देगी। ये यहाँ से आपने इसकी स्टीम निकाली, वो वेपर्स निकले, इसको यहाँ आपने कंडेंस किया और कंडेंस करने के बाद इस टैंक के अंदर आप जमा कर लें। आपके सारे दिन के अंदर 14,000 लीटर पानी है। 14,000 लीटर के को आपने आप डाल देते हैं 70,000 लीटर में या 65,000 लीटर में और उस सारे पानी को खराब कर देते हैं और फिर आप 25 लाख रुपए का ट्रीटमेंट सिस्टम लगाते हैं। आखिर क्या जरूरत है? अगर आप खाली इस सीआईपी के पानी को अलग एक स्टोरेज टैंक में कर लें, 25 क्यूबिक मीटर का एक टैंक बना लें या 50 क्यूबिक मीटर का एक टैंक बना लें, कौन सा बड़ा मसला है। आप एक अंडरग्राउंड टैंक बना लें, उसके अंदर सीआईपी के पानी को जमा कर लें, उसके बाद वहां से इसको पंप करें और पंप करने के बाद आप इसके अंदर ले जाएं और ले जाने के बाद इसको यहाँ। अब इसके बाद आखिरी में क्या होगा, इसके अंदर आप इसको 1 महीने या 25 दिन चलाएंगे ना, तो नीचे इसमें जो चीज डिपॉजिट हो जाएगी ना, जो सलज जाएगी, वो दो चीज होगी। एक होगी जिसको कहते हैं आप शुगर कंटेंट और दूसरा फ्रूट। इन दोनों को आप जब ग्रोडाउन से बाहर निकालेंगे तो इसको आप अपनी जो कैटल फीड होती है ना उसके अंदर इस्तेमाल करके, यूजुअली आप देखें कि गोट्स फार्मिंग में या कैटल फार्मिंग में मोलेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। वो शुगर इंडस्ट्री से मोलेसिस लाते हैं, वो कैटल होती है, उसके अंदर सिर्फ कल्कोहरी तो ज्यादा होता है ना, बाकी तो वही होता है, शुगर कंटेंट्स होते हैं। तो या केन्स भी कुछ मटेरियल होता है, वो जूस केन है आपका, वो दो चीजें इसके अंदर होती है और वो मोलेसिस कितना लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस सिस्टम में प्रोड्यूस होने वाली उस सॉलिड जो या सलज फॉर्म में जो भी मटेरियल होगा उसको बाहर निकाल के आप उसकी कैटल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट यहाँ से आपको मिलेगी। इसमें आपका टीडीएस आपके मोर देन, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट कराया है इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर पाकिस्तान बेवरेजेस, उनको भी साथ खड़ा कर दिया था तीनों डायरेक्टर्स को मैंने, और ये लेबोरेटरी स्केल पर उनको कराया। जो पानी का जब सीआईपी का उसके टीडीएस थे 2800 और सीओडी मोर देन 2000 और पीएच 12, तो उन्होंने किया। मैंने कहा पहले वो सब कुछ इसको टेस्ट कर लें, लिख लें और लिखने के बाद इसको लेबोरेटरी स्केल पर बनाए, अपने सामने बनवाया। मेरा ख्याल 5-6 घंटे लगे, लेकिन उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। उसके बाद जो प्रोड्यूस हुआ ना उसके टीडीएस थे 11, कितने 11 और पीएच 6.8 है ना। वापस डॉक्यूमेंट्स भी है ना, वो आपसे शेयर कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स। वो बाकायदा मैंने उनसे कहा था ये सारा प्रोसेस लिखे अपने पैड्स पे और ये भी लिखे कि किन किन लोगों की मौजूदगी में, तो प्रोडक्शन मैनेजर, डायरेक्टर टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कासिम सराजपति साहब के बेटे जो डायरेक्टर में, उन सब की मौजूदगी में लैब में मैंने कराए। 25 कितने दिन हो गए, 20-25 दिन हो, 20 दिन हो गए, 20 दिन पहले की बात ये करवाया मैंने। अब वो जो इनके मालिक है यासीन साहब, उन्होंने जब ये रिजल्ट देखे और उनको बताया गया और मैंने उनसे जब बताया, मैंने कहा ये देख लीजिए आप, सिर्फ 7 से
15,000 लीटर पानी जो आपका खराब है उसको अगर आप ट्रीट कर ले और वो सारा पानी जो आपके ट्रीट करने के बाद आप दोबारा उसको रिसाइकल कर सकते हैं, अपने सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो करीबन करीबन उनके यहाँ 10 लाख रुपए महीना का खर्चा था आएगा ट्रीटमेंट का, केमिकल के ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा अब 1 रुपए का भी खर्चा नहीं करना है आपको, इस तरह से करना। अब आप ये बताइए रुपए की पैसा 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो भी है वो बच गया, पानी बाहर खींचने से बच गया, ठीक है ना। तो ये जो CIP का ट्रीटमेंट सिस्टम है ये इंतहाई बेहतरीन, इंतहाई आसान, सिर्फ करना ये है कि आपने जब CIP करनी है ना उस पानी को अलग उलग करना है, सेपरेट करना है उसको, आपने बकाया पानी में उसको नहीं डालना है, कंबाइन नहीं करना है। तो इस तरह से आप जो है जिसको आप कर सकते हैं इंतहाई आसानी से।